नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। मोदी सरकार के एक साल क्या पूरे हुए, लगता है कि सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए। एक के बाद एक विवाद और उस पर सरकार का कमजोर बचाव। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ नेता के एन गोविंदाचार्य। सर, स्वागत है आपका सीधी बात में। वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज प्रकरण में सरकार कहती है कि शायद इन्होंने नैतिक आधार पर कुछ गलत किया हो, लेकिन कानूनी आधार पर कुछ भी गलत नहीं किया। आपको लगता है इस बचाव में कुछ दम है? मैं मानता हूँ कि देश का सामान्य आदमी, उसके सोचने का आधार नैतिक है। कानूनी दांव पेंच में वो उलझना नहीं चाहता है। मोटे तौर पर उसको जितना लगता है, उस आधार पर लगता है कि भाई इन्होंने फ़ायदा दिलाया होगा, संबंध बड़े अच्छे रहे, इनके भी लोगों को फ़ायदा मिला होगा। जैसे शेयर्स की बात आती है, दुष्यंत सिंह की बात आती है, तो सामान्य आदमी तो एक परसेप्शन बना लेता है कि ये लोग दोषी हैं। फिर भी वो सोचता है कि अगर ये लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जांच हो, निर्दोष हो, फिर वापस आवे, तो पूरी पार्टी की, सरकार की साख इसमें से बढ़ेगी। लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर बचाव की बात सोचते हैं तो ये मुद्दा चिपका रह जाएगा। जैसे बोफोर्स के बारे में भी हुआ था कि बहुत बचाव करने की कोशिश की थी कांग्रेस के लोगों ने, बात बनी नहीं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बोफर्स कांग्रेस की गले की फांस बन गया, ललित मोदी ठीक उसी तरीके से बीजेपी की गले की फांस बन सकते हैं? नहीं, ललित मोदी तो सब तरह चौतरफा वार कर रहे हैं, और ये उससे ज़्यादा गहरा प्रश्न है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें सभी पार्टियाँ जो हैं उनके आत्मनिरीक्षण का वक्त है इसमें। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अपने मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का बचाव करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना नैतिक आधार था, जिसके आधार पर उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट भी जीता, क्या कुछ हद तक वो गवा दिया है? अभी तो वो चुप हैं, अभी तो सेशन भी होना है। मेरा ख्याल है कि इन सब बातों से श्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान आदमी है, तो वो जरूर सोच रहे होंगे। नैतिक आधार पर वसुंधरा राजे का फौरन इस्तीफा होना चाहिए। फौरन करे वो तो खुद ही करना चाहिए था, जैसे अडवाणी जी ने किया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, शरद यादव ने किया था उस समय में। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, और वास्तव में ऐसे उदाहरण ही खुद को नुकसान दे तो भी पार्टी के लिए, देश के लिए फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि वसुंधरा राजे कहती हैं कि मैंने मदद अपनी व्यक्तिगत हैसियत से की। मैंने मदद इसलिए की कि उनकी बीवी बीमार थी, उनको मदद की ज़रूरत थी, बीवी मेरी दोस्त है, और मैं उस वक्त में मुख्यमंत्री नहीं थी, तो मैं किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती थी। इसलिए सीधी बात है कि उस समय ही कह रही है कि इस बात की जानकारी न हो तो बड़ा अच्छा है। ये क्या मतलब हुआ? दोस्ती है, ठीक है, जग जाहिर है, ये भी ठीक है। भारत की जनता इन सब बातों को ठीक योग्य ढंग से ही देखती है। सुषमा स्वराज का सवाल है, क्योंकि सुषमा स्वराज कहती है, मैंने ये कहा था कि अगर ब्रिटिश नियमों के तहत ललित मोदी की मदद हो सकती है तो कीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि आप इनकी मदद कीजिए। ये तो बात ठीक है, द्राविड़ प्राणायाम की बात है, बड़े लोग तो ऐसा ही कहा करते हैं। जरा देख लीजिएगा, उनके देख लीजिए कहने में ही उनके पद की ताकत भी तो शामिल होती है ना, इसलिए उतनी जिम्मेदारी और समझनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है सुषमा स्वराज ने जो किया वो भी गलत किया? मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज को भी स्वयं समझना चाहिए कि इतने ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ते भी हों तो और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने वो सावधानी नहीं बरती, ये तो उसको तो दोष कहा जाएगा, कमी कही जाएगी इसको। क्या सुषमा स्वराज जी का भी इस्तीफा होना चाहिए आपके हिसाब से? इसी मैंने पहले भी कहा है कि भैया इन लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। ये तो जनता अपनी धारणा बनाए रहेगी, उस धारणा में बदल नहीं होगा। फिर भी ये तो उनकी चॉइस है, इस्तीफा दें या न दें। कुछ लोग अडवाणी जी, शरद यादव आदि का उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसा नहीं करते हुए डटे रहने का भी निर्णय कर सकते हैं, उनके ऊपर। बीजेपी में एक तबका ऐसा है जो कि मानता है कि एक आस्तीन का सांप है पार्टी के भीतर जो कि ये करवा रहा है। कीर्ति आज़ाद पिछले हफ्ते सीधी बात में बैठे थे, उन्होंने बहुत निशाने साधे पार्टी के भीतर लोगों में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से लोग एक दूसरे को काटने के लिए इन खबरों को मीडिया में सामने रख रहे हैं? इतना ज़रूर है, ये सब बातें पार्टी के संगठन की स्थिति अस्वस्थ है इतना तो बताती ही है। अधिक संवाद की ज़रूरत है, अधिक विश्वास की ज़रूरत है, अधिक आपसी तालमेल की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं किसी की बात मान लेने की स्थिति हो, ऐसी पार्टी में स्थितियां शायद नहीं हैं। इतना तो संकेत इसमें से मिलता ही है। जब श्री यशवंत सिन्हा कहते हैं 75 की उम्र के बाद ब्रेन डेड मान लिया गया है, ये उनके मन की तकलीफ का को बयां करता है। मतलब वो योगदान करना चाहते हैं, योगदान करने की कोई स्थिति नहीं बन रही। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जो भी होते हैं उनका भी योगदान नेशनल अफेयर्स में होता है, नेशनल इंटरेस्ट में होता है। इसलिए उम्र के बदले स्वास्थ्य, उम्र के बदले गतिशीलता, ये आधार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, क्योंकि संघ का भी ये आधार है कि 75 साल के ऊपर जो लोग हैं उनसे काम नहीं लेना। लेकिन नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है।
वहाँ क्या होता है कि औपचारिक जिम्मेदारी का पद नहीं रहता है, लेकिन वरिष्ठ सदस्य रहते हैं कार्यकारी मंडल के, इनफॉर्मली उनका इंटरेक्शन भरपूर होता है। ऐसे 3-4 अभी भी केंद्रीय कार्यकारी मंडल में सदस्य हैं जो सीनियर हैं, लेकिन काम में इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। उससे भी परे जब स्वास्थ्य की स्थिति होती है, वो खुद ही कहते हैं हमसे अब होता नहीं भैया, अब हमें रहने दो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी मान मर्यादा, उनका इन्वॉल्वमेंट, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सब तो भरपूर होता है। स्मृति ईरानी पे आते हैं। स्मृति ईरानी कोर्ट कह रही है कि केस की तहकीकात होगी, पूरी जांच पड़ताल होगी। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को भी नैतिक आधार पे कुछ देर के लिए अपने पद से हट जाना चाहिए? इसलिए नैतिक आधार अगर लेंगे देखें तो उसकी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये सब हैं। इसलिए हम ऐसी स्थिति में अपनी ओर से टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं समझते। अब जनता ही इस बात को समझेगी और अपना फैसला लेगी। आपको लग रहा है कि जनता में बहुत नेगेटिव मैसेज? हाँ, इन बातों से जरूर पार्टी की साख घटती है, सरकार का रुतबा घटता है, सरकार का इकबाल घटता है, सरकार की साख गिरती है इन बातों के कारण। बार बार बीजेपी हमला करती है कांग्रेस पर कि जब आपकी 4 साल सरकार थी तो आप ललित मोदी को वापस न लेके आए, ये आपकी गलती है। लेकिन आपको लगता है कि पिछले साल में मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं किया ललित मोदी को वापस लाने के लिए, और क्या ये खुद में ही बहुत बड़ी गलती थी? ये दोनों बातें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय। अपनी अपनी पार्टी में लोकपाल सरीखी एक अकाउंटेबिलिटी की संस्था बनना जरूरी है, और ये अगर ये लोग नहीं मनाते पार्टी वाले लोग, तो इलेक्शन कमीशन इस दिशा में पहल करे। अब वक्त की ज़रूरत यह है, पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पार्टी का रिफॉर्म होना ज़रूरी है सभी पार्टियों का, नहीं तो क्या होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसी स्थिति में रहे और विपक्ष भी दागदार, साखहीन, कमज़ोर सा रहा, तो इससे अराजकतावादियों को फ़ायदा मिलने का खतरा है। इसलिए लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि पार्टियों के कार्य संचालन की विधि पारदर्शी और अकाउंटेबल कैसे बनाई जाए। आपने कहा कि बीजेपी का जो आंतरिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं, क्यों आपको लगता है कि पार्टी में जिस तरीके से चीज़ों का संचालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? इसकी तो मुझे मालूम नहीं है क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है, ऐसे कीर्ति आज़ाद का बयान की बात आपने की, औरों की बात की, यशवंत सिन्हा के बयान की बात की, शत्रुघ्न सिन्हा के बयान की बात की, ये सब तो बातें उसी दिशा में संकेत है। इसीलिए मैंने कहा कि पार्टी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक वैज्ञानिक कार्यशैली पर आग्रह करने की ज़रूरत है, उसमें कहीं कमी होगी तभी तो विश्वास और संवाद की कमी है, तभी तो लोग बाहर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग जो पार्टी लगता है कि वन मैन शो हो गई है बीजेपी, मैं इतना तो नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि इसमें अधिक सहभागिता की ज़रूरत है, निर्णय में सहभागिता की ज़रूरत है, स्थितियों की जानकारियों को शेयर करने की कमी है कहीं ना कहीं। इसलिए हर आदमी शंका को ले कि क्या हो रहा है पता नहीं, सांसद कई बार मिलते हैं उनके लगता है वो भाई पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कहते हैं सांसद जब मिलते हैं वो हमसे पूछते हैं कि सरकार चला कौन रहा है, पार्टी चला कौन रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम हो पार्टी में, तुम हमको बताओ कि क्या हो रहा है वहाँ पर, और इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं संवाद की कमी है, सहभागिता की कमी है। और जब बातें सामने आती हैं तो जैसे मुझे याद है यही हवाले की बात थी, तो अडवाणी जी ने बैठक बुलाई थी पदाधिकारियों की भी, पार्टी में जो केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं दिल्ली स्थित उन सब की, सामने तो बात रखी गई, फिर मिलकर एक पार्टी का मिजाज बना, तो पार्टी में आपसी विश्वास के साथ क्या सही क्या गलत इस पर एकजुटता रही, एक वाच्यता भी रही। अभी ऐसा अगर नहीं दिखाई देता है परिणाम, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि कहीं ना कहीं शेयरिंग में कमी है, संवाद में कमी है, निर्णय में सहभागिता में कमी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। उसके लिए 2-4 उपाय होते हैं, प्रवास की ठीक वैज्ञानिक व्यवस्था और बैठकों की ठीक वैज्ञानिक व्यवस्था, कहीं इसमें कमी होगी ऐसा मैं दूर से देख कर अंदाज लगा सकता हूँ। हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी जी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, उन्होंने कहा कि जिन शक्तियों की वजह से इमरजेंसी लगी वो पहले से अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। क्या आप आडवाणी जी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो पर्टिकुलरली इस एरा के बारे में कह नहीं रहे होंगे, वो उस समय की स्थितियों को वो रेमिनिसेंस के नाते से वो देख रहे हैं, बता रहे होते हैं। वो कह रहे हैं वर्तमान के नेतृत्व में उन्हें विश्वास नहीं, ये फ्रेज कहा, और इमरजेंसी वाली जो ताकतें हैं वो पहले से अब कहीं ज्यादा मजबूत है, ये उनका बयान है? नहीं, स्वाभाविक है, उनको जो लगता होगा कि लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन CAG हो या विजिलेंस हो या सूचना आयोग के अक्षमता की बात है, ये सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का वीकेंड होना, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की कमियां होना और पार्टियों की कार्यशैली में
लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना, ये सब चीजें उन खतरों की ओर संकेत कर रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की, लेकिन इतना बड़ा जो विवाद है इस वक्त का ललित मोदी को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर, सुषमा स्वराज को लेकर, उस पर उन्होंने चुप्पी साधी रही। ऐसे वक्त पर जब इतना बड़ा फसाद खड़ा हो, क्या कुछ ना कहना, चुप्पी बनाए रखना, आपकी मन की बात क्या है इस मुद्दे पर, ये जनता को ना बताना, क्या ये ठीक था? मुझे लगता है कि वो उनकी कुछ रणनीति होगी कि अभी जब समय होगा तभी बोलेंगे, अभी न बोलना भी उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि न बोलना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सोचकर बोलना, समय पर बोलना, वो उनकी बेहतरी के लिए अच्छा ही है। मोदी सरकार के एक साल पूरे हुए, आप कुल मिला के पहले साल के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं? मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे सक्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, और जनता ने भी पहली बार एक गैर कांग्रेसी नेता, गैर कांग्रेसी दल को खुद के बल पर, बहुमत के आधार पर बिठाया है शासन में। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें ज़्यादा बढ़ाया भी है उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, इसलिए अब वो कठिनाई में महसूस कर रहे होंगे। फिर भी धीरज बिना खोए अभी 5 साल है, तो जनादेश का उत्तर तो 5 साल में उनको देना है, 1 साल अभी बीते हैं। हाँ, इस 1 साल के बारे में देखें, जहाँ सक्रियता और नीयत दोनों ठीक दिखाई पड़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि प्राथमिकताओं में कहीं गड़बड़ी हो रही है। कैसे? जैसे एक छोटी बात, ज़मीन अधिग्रहण की बात ले लें, तो ज़मीन अधिग्रहण की तो बात खूब जोर जोर से की जा रही है, क्या अध्यादेश, लेकिन पार्टी या सरकार समझा नहीं पाई कि वो कौन सी इमरजेंट सिचुएशन थी कि इतना अध्यादेश लाना पड़ा। सामान्य रीति से भी तो हो सकता था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, जब अधिग्रहण की बात, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ क्या समझते हैं? जब अधिग्रहण की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला तो एंटी डेमोक्रेटिक है कि आप पंचायत की सहमति नहीं चाहते, ग्राम सभा की सहमति, पब्लिक पर्पस के लिए, अगर उसके 5 पर्पस होंगे ना, पब्लिक आपने इतने वाइडन कर दिया है उसमें से डेफिनेशन को, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आपने इतने वाइडन कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बातें पहले से स्पेसिफाई की हुई हैं, उसमें भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइडन कर दिया, बचा कुछ नहीं है जिसके लिए अनुमति देने की जरूरत पड़े। स्टडी ही बता रहा है कि केवल 8% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लैंड के कारण कहीं अटके पड़े हैं, बाकी 92% पे तो कोई हर्ज नहीं है, उनको क्यों नहीं बढ़ाया आपने? इसलिए ये तो बहानेबाजी है केवल कहने की कि 8% प्रोजेक्ट्स अगर अटके पड़े हैं लैंड एक्विजिशन किन्हीं किन्हीं कारणों से, लिटिगेशंस के कारण, बाकी 92% क्यों अटके पड़े? आपने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास करना होगा कि हिंदुस्तान गुजरात नहीं है, क्यों आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश को गुजरात बनाना चाह रहे हैं या गुजरात की नहीं, हमारे इतना कहना है कि और अनुभव की जरूरत है, अनुभव की यूँ जरूरत है कि इतनी डाइवर्सिटीज हैं, रिस्पॉन्सेस आप देखेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सेस, सोसाइटल रिस्पॉन्सेस एकदम अलग अलग प्रकार के होते हैं। देश उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर का ही ले लीजिए, देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कोई यूनिफॉर्म जीएम क्रॉप के आधार पर आप सोच लें कि सब चीज़ ठीक हो जाएगी, तो स्थिति का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हाल ही में जैसे इमरजेंसी पर सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया। अब जो आदमी 19 महीने जेल में था, उसको इमरजेंसी के ही कार्यक्रम में ना बुलाना, क्या ये ठीक था आपके हिसाब से? मैं समझता हूँ कि उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी, उनकी कोई कठिनाई है समझ लेनी चाहिए थी। वास्तव में जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ होता है घर में, बड़ों को हम इज्जत दें, हर बात माने ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जब आप उपेक्षा ही करेंगे, जिसके कारण ब्रेन डेड सरीखी कमेंट, ब्रेन डेड सरीखा कमेंट होना, ये बहुत बड़ा इंडिक्टमेंट है। इसलिए अपनी ही कार्यशैली में सुधार हो, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका वास्तव में तो इन्वॉल्वमेंट हो, नहीं तो जुमलेबाजी के आधार पर ही केवल चलते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको लग रहा है कि जहां तक फैसले लेने की बात है, उसको एकदम उन्होंने यूनिफाई कर दिया है कि एक ही आदमी या 2 या 3 लोग ही मिलकर सारे फैसले लेते हैं, बाकी वो काट दिया है। कई बार ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ये भी कई बार पॉलिटिकल क्लास को दूर रखने की साइकोलॉजी प्रमोट कर देता है। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैडर का अपना महत्व है, उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका शेयर ऑफ स्टेक भी है, उसकी उपेक्षा है ऐसा मुझे लगता है। ने हमें वक्त दिया गोविंदाचार्य जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/seedhibaat। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए
आज तक।